नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली दंगा हो या बेंगलोर दंगा या फिर हाथरस कांड, इन सब में एक नाम जो बार बार आया है वो है PFI, एक ऐसा संगठन जिसे भारत में बैन करने की मांग चल रही है। आए दिन कट्टरवादी इस्लामिक संगठन PFI पर आरोप लगते हैं कि इस्लामी शिक्षा के नाम पर कट्टरवाद को बढ़ावा देता है और तो और जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। और अब जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जी हाँ, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी चेहरा सामने आया है। वसंत पंचमी से ठीक पहले लखनऊ में होने वाले हिंदू संगठनों के कार्यक्रम व महत्वपूर्ण स्थलों पर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए PFI के दो आतंकी केरल से लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन वह अपने खौफनाक मंसूबों को पूरा कर पाते उससे पहले स्पेशल टास्क फोर्स ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। SDF ने उनके पास से विस्फोटक व हथियार बरामद कर उनकी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। उनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि PFI के निशाने पर कई बड़े नेता भी थे और उन कमांडर्स का बड़ा मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की सीरियल किलिंग भी था। आपको बता दें, ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक PFI कमांडर केरल निवासी अनसन बद्रुद्दीन व केरल के ही निवासी फिरोज खान को मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे कुकरैल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ में सामने आया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में एक के साथ आतंकी हमले की साजिश थी। दोनों आरोपित सूबे में वसंत पंचमी के मौके पर धमाकों की योजना में शामिल थे। फिरोज युवकों को हथियार चलाने व बम बनाने की ट्रेनिंग देता था। पुलिस की आशंका है कि उनके इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए विदेश से भी फंडिंग की गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी भी ऐसे कोई भी बिंदुओं पर पड़ताल किए जाने की बात कह रहे हैं। दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हिंदूवादी संगठनों के प्रमुख व बड़े नेताओं की सूची भी मिली है और साथ ही कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो मलयालम भाषा में है। पुलिस ने बताया है कि दोनों कमांडर लखनऊ आने के बाद कुछ युवकों को विस्फोटक सामान बांट चुके थे। उन युवकों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे VK न्यूज़।